आजकल जो ग्रहण है, ग्रहण के बारे में हमारे इस देश में हालांकि में ढेर सारा डर फैलाया जा रहा है, जो मेरे समझ में है, जो मैं लोगों से सुनता हूँ। तो मेरी प्रार्थना है कि ग्रहण के बारे में इतना डर न फैलाया जाए जनता के बीच कि जनता ग्रहण आते ही डरने लगे। तो ये मेरा विचार है, न हो तो अच्छी बात है। और लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना ज्ञान बताने के चक्कर में इतना जा पाखंड की बात कर देते हैं कि जनता डरने लगती है। तो अभी बीते हुए दिनों में, पूर्णिमा के दिन, जिस दिन होली थी, उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो उसके बारे में भी मैं देख रहा था, जिस तरह के फोन आ रहे थे और जिस तरह की बातें फैलाई जा रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो उससे जनता में एक डर पैदा हुआ। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, आप सबसे, कि ग्रहण के बारे में इतना मत डरिए। जब भी ग्रहण लगे, आप जहां रहते हैं, पहली बात तो पता करिए उस देश में ग्रहण का लगेगा कि नहीं लगेगा, उस देश में ग्रहण का असर है कि नहीं है। तो जो होली के दिन ग्रहण था, वह हालैंड में नहीं था। और 8 तारीख को जो ग्रहण आएगा, 8 अप्रैल को, वह ग्रहण भी हालैंड में असर नहीं डालेगा। कहाँ कहाँ असर होगा ग्रहण का? मैक्सिको, पूरा अमेरिका, पूरा अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, पूरा अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, यहां पर इस ग्रहण, सूर्य ग्रहण का असर होगा। और यही सूर्य ग्रहण दिखाई भी पड़ेगा। और ये ग्रहण बहुत बड़ा है, इसे कहा गया पूर्ण सूर्य ग्रहण है, मतलब पूरी तरह से ग्रहण लगेगा। लेकिन हॉलैंड में इसका कोई असर नहीं है, भारत में इसका कोई असर नहीं है, इसलिए ग्रहण मान्य नहीं होगा। तो आप पूरी तरह से जानते रहिए कि ग्रहण जो 8 अप्रैल को आने वाला है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और हॉलैंड में 8 अप्रैल को आने वाला ग्रहण न तो लगेगा, न तो दिखाई पड़ेगा, और न तो इसका असर ही पड़ेगा। लेकिन ग्रहण में तमाम तरह की बातें होती है कि लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जो करना चाहिए उसे नहीं बताते, बता रहे लोग, जो नहीं करना चाहिए उसे ज्यादा बताते हैं। और हम जनता भी जो नहीं वाली बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो करने वाली बात है उस पर हम ध्यान एकदम से नहीं देते। क्या करें सूर्य ग्रहण में? सूर्य ग्रहण में हम क्या करें, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जब भी ग्रहण लगे, पहली बात तो आप पता करिए आप जिस देश में रहते हैं उस देश में ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा। पहली बात, अगर ग्रहण लगेगा तो आप एक काम करिए, ग्रहण का सूतक पता करिए कब से शुरू होगा, उसके पहले ही अगर भोजन बना सकते हैं, भोजन कर सकते हैं तो भोजन करिए। उस समय, ग्रहण के समय, सूतक के समय भोजन न बनाइए, न करिए, न सब्जी काटिए, कोई चीज मत काटिए। ग्रहण या सूतक जब समाप्त होगा तब भोजन बनाइए और भोजन करिए। अब कहेंगे भोजन बना के रख दिया गया है, क्या करें? तो जो भोजन है उसके ऊपर कुसा घास रख दीजिए, तुलसी का पत्ता रख दीजिए, ग्रहण शुरू होने से पहले। तो ग्रहण के बाद आप उसे खा सकते हैं, उसका भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के समय कुछ न तो काटिए, न तो भोजन पकाइए, और न ही कुछ जलाइए। एक बात हुई। दूसरी बात, ग्रहण के समय जितना हो सके उतना अपने इष्ट देव का, अपने गुरु मंत्र का, भगवान के नाम का जितना हो सके उतना जप करिए। जितना जप करेंगे
उतना ही पुण्य मिलेगा। और ग्रहण में कहा जाता है, ग्रहण में किया गया जप तप और पाठ, यह बहुत ही महान असर देता है, 10 गुना असर देता है। इसलिए ग्रहण के समय जरूर भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन करिए, ये करिए। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो पूरे घर में गंगा जल छिड़क करके उसको जो है घर को शुद्ध करिए। अब हम लोग विचार करते हैं क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य मत करिए। शुभ कार्य मतलब कथा सुनना, यज्ञ करना, विवाह करना, जनेऊ करना मत करिए। भगवान का पूजा पाठ करना, भगवान को फूल जल अक्षत चढ़ाना नहीं करते हैं। भगवान की पूजा बंद हो जाती है ग्रहण के पूरे समय में, मंदिर का दरवाजा भी बंद रखते हैं लोग। हाँ, मंदिर में बैठ के खूब कीर्तन करिए, आप आराम से कर सकते हैं ग्रहण के समय। और क्या नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं पकाना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए एकदम, इसका पूरा ख्याल रखें। और जो गर्भवती हैं, जिनके पेट में बच्चे हैं, वो घर के अंदर रहें। गर्भ के ग्रहण के समय में जो जो लहरें निकलती हैं, जो रोशनी निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, वो अच्छी नहीं होती बच्चे के लिए। इसलिए जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो घर के अंदर रहें, और बहुत अच्छा होगा गाय का थोड़ा सा गोबर लेकर के अपने पेट में एक गोला बना दें तो ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा। अब कहते हैं कि नहीं, उसे सोना नहीं चाहिए, नहीं, नींद नहीं लेनी चाहिए अगर बच्चा पेट में है, लेकिन बैठ करके लेट करके आराम पूरी तरह से कर सकते हैं। यहां जो कहा जाता है सोना नहीं चाहिए, तो लोग अर्थ निकालते हैं कि उसको खड़े रहना चाहिए, उसे चलते रहना चाहिए, नहीं, उसका इतना है कि उसे नींद नहीं लेना चाहिए, वो बैठ सकती हैं, आराम कर सकती हैं, यह पूरा ख्याल रखें। और ग्रहण के समय में मूर्ति मत छुइए, मूर्ति से दूर रहिए, भगवान की मूर्ति से। तुलसी का पौधा मत छुइए, वो देवी हैं, देवी देवताओं की मूर्ति मत छुइए। तुलसी का पौधा मत छुइए, कुशाघात मत, घास को भी मत छुइए, ये पूरा ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात है कि आप पहले पता करें कि आपके देश में जहां आप रहते हैं वहां पर ग्रहण का असर होगा या नहीं होगा। और ग्रहण एक चीज और ख्याल रखिए, जब पूर्णिमा होगी, जब भी ग्रहण लगेगा चंद्र ग्रहण, तो पूर्णिमा का दिन होगा, और जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो अमावस्या का दिन होगा। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही ग्रहण लगते हैं। तो 8 अप्रैल को जो ग्रहण आएगा यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है। हॉलैंड में हम लोग रहते हैं, भारत में हम लोग रहते हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से आराम से आप जो है अपनी नित्य क्रिया जप पाठ पूजन भोजन इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखें, मैक्सिको, पूरा अमेरिका और कनाडा, यहीं पर इसका असर दिखाई पड़ेगा, हॉलैंड में नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं।